है फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 का अब लाइव हो चुका है, पोर्टल पे आ चुका है। आप अब ITR 1, जिसे सहज भी कहते हैं, उसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 1 को फाइल करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होंगी, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। स्किप मत करना और कंटिन्यू देखना, पॉज करके मत देखना, उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी आपकी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ समझ लीजिए और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर आप खुद से भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे ITR 1 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आप फाइल कर सकते हो। जो स्टूडेंट हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो सैलरी पर्सन है, मैं उनसे कहूंगा कि खुद मत करना कभी। बहुत सारी चीजें होती है, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ सिखा तो दूंगा, लेकिन कुछ चीज होती है जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में देर आज ए वेरी वेरी बिग डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को आप जो लॉ की बारीकियां होती हैं वहां पे आप नहीं समझ पाते हो। तो पर अगर आपका नॉर्मल है, आपका कोई भी मतलब टैक्स वगैरह, रिफंड वगैरह, TDS वगैरह नहीं है, जनरल आप भर रहे हो, टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आप खुद भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए इसमें अब आपको मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज लाइव हो चुका है 2 जून को, आज 2 जून की रोटी, याद है ना, 2 जून की रोटी होती थी, कोरोना में तो ये भी नहीं है पता चल रहा है, हर जो 2 जून, हर डेट अब 2 जून हो चुकी है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं इनकम टैक्स की साइट पे, आप जाना इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जाओगे तो एक चीज इम्पोर्टेंट ये नोटिस देता है कि एक विंडो यहाँ पे खुल के आता है, प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट टू रिसीव योर रिफंड्स एज वेल एज एनेबल PVC। अगर आपका रिफंड बनता है TDS का, तो उसके लिए आपको ना बैंक को प्री वैलिडेट कर लेना है इनकम टैक्स से। तो इसके लिए इसमें प्रोसीजर बताया है, जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, और इनकम टैक्स का वो पोर्टल है, चैनल है, जिसपे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। अभी मैं इसे हटाता हूँ। अब आप देखें, आज 2 जून 2020 को ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग, अदर ITRs विल बी अवेलेबल शॉर्टली। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ITR 7 तरह के होते हैं, जिसमें अभी पहला ITR 1 जो है वो लाइव हो चुका है, पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। अब ITR को फाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, रजिस्ट्रेशन। अगर पहले से हो तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर में लॉग इन करोगे, ठीक है। हम आपको ये दिखा देते हैं कैसे लॉग इन करना पड़ता है, कैसे किया जाता है। अब लॉग इन करने के लिए देखिए, मैं अपना पेन नंबर पासवर्ड डाल रखा हूं, अब मैं कैप्चा डाल दूं अगर तो HTQKVJ, हमने कैप्चा अपना डाला और लॉग इन अगर हम करते हैं तो आप स्क्रीन पे देखिएगा कि इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये लगभग अब 45 मिनट तक ऐसे ही इसका सेशन होता था, इस पोर्टल का 10-15-20 मिनट, अब 45 मिनट तक आपका ये पोर्टल खुला रहेगा, आप आराम से देख देख के बिना मिस्टेक किए अपना फाइल कर सकते हो रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए एक आता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। अब पैन नंबर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, पिक करना है तो 2021, ITR फॉर्म नंबर, अगर हम अभी देखें तो अभी सिर्फ ITR 1 अवेलेबल हुआ है तो हम ITR 1 ले लेंगे। फाइलिंग टाइप दो तरह से फाइल होता है, सबमिशन मोड में फाइलिंग टाइप हमारा ये ओरिजिनल है या रिवाइज रिटर्न है वो हमें देखना है। तो मैं पहली बार जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल करेंगे, क्योंकि पहली बार में गलती नहीं होती है जो रिवाइज करना हो, या कोई ऑर्डर नहीं आपके अगेंस्ट आया, कोई नोटिस नहीं आया, तो आप ओरिजिनल फाइल करेंगे। अब जो सबमिशन मोड होता है वो दो तरह होता है, कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं प्रीपेड एंड सबमिट यहीं पे, या अपलोड XML, आप XML अपलोड करना चाहते हैं। XML क्या होता है,
वो मैं दिखा देता हूँ अगली वीडियो में, मैं बताऊंगा कि इसको फाइल करना कैसे करना है पूरी वीडियो। अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको वो चीजें हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे XML के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ई फाइलिंग पे अगर आप चाहते हो तो ई फाइलिंग पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, बाहर से ही मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको होम पे जाकर के या डाउनलोड्स में जाकर के फॉर्म्स को, जो XML का जो फॉर्म है इसका एक्सेल सीट होता है उसमें एक, उसको आपको डाउनलोड करना है और उस ITR को आपको फाइल करना है। इसके लिए आपको चलना है ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे आपके सामने ये देखिए आ चुका है, यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे जब देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में PR1, जब इसको आप रिटर्न का उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये देखिए ITR1 डाउनलोड हो चुका है। अब जब ये डाउनलोड एक जीप फाइल आपके सामने ओपन होके आएगा, इस जीप को आप जब प्रॉपर सही तरीके से ये डाउनलोड हो जाए देन ओपन आप इसको करिए और उसमें एक आपको फॉर्म दिखेगा एक्सेल सीट का और उसे फाइल करना है। तो सबसे पहली बात तो हम चलते हैं आपको बताने के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। तब तक ये ओपन होता है आपका, चलिए ओपन हो ही चुका है तो मैं एक बार दिखा दूं। यहाँ पे जो ITR 1 2020 का है इस पे आपको क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ITR 1 का ये फॉर्म एक्सेल सीट आ जाएगा और इसी को आपको, उस एक्सेल सीट को आपको फाइल करके देना है। ठीक है, तो ये ओपन होने के बाद उसको आपको फाइल करना है और फाइल करके फिर जो मैं सबमिट का आपको दिखाया था अपना लॉगिन करने के बाद, जहां पे ऑनलाइन कर रहा था प्रिपेयर करने के लिए और सबमिट करने के लिए, और दूसरा कर रहा था XML अपलोड करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे था। अब आपके सामने एक्सेल खुल रहा है, इसमें मैं एक बार आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिटर्न ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो चलिए मैं एक बार आपको लेके चलता हूं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर सबसे पहले बात करें चर्चा, तो आपके पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। ITR बिना पैन के आप नहीं फाइल कर सकते हो, ये याद रखना आप, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट रखना। ITR फाइल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना, दिस इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपको गाड़ी चलाने के लिए DL की जरूरत होती है ना ड्राइव करने के लिए, उसी तरह पैन नंबर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होता है आधार कार्ड, गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को भी मैंडेटरी कर दिया। और यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताऊं, 30 जून तक आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग कर लेना, अदरवाइज आपका पैन वैलिड नहीं रहेगा, अनवैलिड हो जाएगा। इसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और मैं लिंक में भी आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन पे, जिसे आप फॉलो कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म 16। इफ यू आर सैलरीड पर्सन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म 16 इज TDS सर्टिफिकेट which is issued by your employer to provide details of the salary paid to you and TDS deducted by you, because ke agar aap form 16 agar aapke paas nahi hota hai, if you have no form 16, yani ki detail nahi hota hai ki kitni salary hai, kitna TDS is pe kata, kitna aapne investment kiya, kitna aapne expense kiya सेक्शन वाइज, तो वो सारी की सारी डिटेल जो आप अपने एम्प्लॉयर को देते हो, दैट विल बी प्रोवाइड यू अ समरी अ स्टेटमेंट दैट कॉल्ड फॉर्म 16। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो दैट इज फॉर्म 26AS। अब फॉर्म 26AS के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड अ वीडियो इज अवेलेबल ऑन माय चैनल, वहां पे भी आपको है कि जस्ट लाइक फॉर्म 26AS इज जस्ट लाइक ए कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट एंड यू कैन कॉल दिस जस्ट लाइक अ टैक्स पासबुक।
जैसे बैंक पासबुक में ऑल ट्रांजेक्शंस आर मेंशन, व्हाट्स यू डिपॉजिट, व्हाट्स यू ड्रॉ, कैश, चेक, ऑल ट्रांजेक्शंस आर मेंशन इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फंड ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन. तो जस्ट लाइक इन फॉर्म 26AS आपको हाउ मच टीडीएस डिपॉजिटेड या हाउ मच टैक्स डिपॉजिटेड बाय यू, हाउ मच टीडीएस डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर एंड सबमिटेड एट योर पैन नंबर, ऑल आर मेंशन हियर. सेकेंडली, अगर और भी किसी तरह का ट्रांजेक्शन ऑन योर पैन होता है तो दैट विल बी मेंशन हियर एंड यू कैन फाइंड इजीली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26AS शुड बी रिकनसाइल्ड समवेयर. अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप फॉर्म 26AS से आप पता कर सकते हो आपका टीडीएस कितना कटा है. इन दैट केस यू कैन आस्क फॉर्म 16 टू योर एम्प्लॉयर और एनी अदर बॉडी हु डिडक्टेड योर टीडीएस एंड डिपॉजिटेड ऑन योर पैन. समटाइम्स क्या होता है कि आपका किसी बंदे ने टीडीएस काटा और बाय डिफॉल्ट रॉन्ग पेन पे आपको जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, आपका पेन नंबर नहीं था, या आपका टीडीएस काट के दूसरे के पेन पे जमा कर दिया, तो दैट विल बी शो इन 26S एंड यू कैन कंप्लेन टू योर एम्प्लॉयर एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉयर विल बी एडिट अमेंडमेंट इन रिटर्न और रीसबमिट करेगा रिटर्न को और फिर आपको सही डेटा फॉर्म 16 इशू कर देगा. आपको सही करके 26AS पे पोर्टल पे दिख जाएगा तो आप उसे क्लेम कर सकते हो एंड यू कैन गेट बेनिफिट. तो फॉर्म 26AS के बारे में बताया और ये आपके पास होना जरूरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और मैं बताऊंगा आपको कि फॉर्म 16 जो है इस बार आपको आफ्टर जून 30 जून के बाद मिलने वाला है, क्योंकि 30 जून तक तो एम्प्लॉयर को या आपका कॉन्ट्रैक्ट का है या प्रोफेशनल का है, तो 30 जून 2020 तक तो टीडीएस का रिटर्न नहीं जाएगा. तो टीडीएस रिटर्न जब तक नहीं जाता है तब तक आपको फॉर्म 16 नहीं मिल सकता है. ठीक है, क्लियर पॉइंट. अब 26AS के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और एक और चीज है वो थिंग वह सैलरी स्लिप. अब आपका क्वेश्चन होता है व्हाई नीड सैलरी स्लिप. सैलरी स्लिप का मतलब सिर्फ जैसे जब मैं रिटर्न भरने बैठता हूं तो कई लोग हमें कहते हैं कि मेरी सैलरी 50,000 रुपए का पर मंथ है. दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर फाइल द आईटीआर. आईटीआर फाइलिंग के लिए 50,000 की सैलरी बोल देना सफिशियंट नहीं है. फॉर्म सैलरी स्लिप हमें इसलिए चाहिए होता है कि इन सैलरी स्लिप ऑल अलाउंसेस आर मेंशन, HRA या कन्वेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एडुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस. इट मीन्स जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो हर एक अलाउंस का डिफरेंट होता है. एडुकेशन अलाउंस, ठीक है ना, यूनिफॉर्म अलाउंस, सभी चीज का अलग अलग होता है और सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है. सो नीड अ सैलरी स्लिप कि उसमें हम क्लियरली समझते हैं कि आपका क्या इनकम आया है, कौन सा अलाउंस दिया और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. हम ऐसे नहीं समझ लेंगे कि 50,000 सैलरी है, 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, यानी 12 लाख का हो गया, इनकम टैक्स इस पे निकाल दो. नो, वी कांट डू दिस. और सेकेंडली, HRA का कैलकुलेशन विदाउट सैलरी स्लिप, विदाउट बाइफिकेशन हमें नहीं पता चलता है. उसका बाइफिकेशन करना पड़ता है, उसमें लिखा रहता है कि HRA इतना है, बेसिक इतना है, डियरनेस अलाउंस इतना है. तो सो नीड सैलरी स्लिप. उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है बैंक स्टेटमेंट. हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट से सारे ट्रांजेक्शन का पता चल जाता है. साथ ही अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट आता है, जैसे क्वार्टरली आपके बैंक में जो भी सेविंग्स हैं, जो फंड जमा है, डिपॉजिट है, उस पे गवर्नमेंट यानी कि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, उस इंटरेस्ट को सेक्शन 80TA पे अप्लीकेबिलिटी हो जाती है. वहां पे कुछ एग्जेम्पशन है, उसके बाद टैक्स लगता है,
टैक्सेबल इनकम हो जाता है, तो इसपे भी टैक्स है इंटरेस्ट पे, तो ये चीज जरूरी होता है। तो जितने भी बैंक अकाउंट्स आपके हैं, सारे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का जरूर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी है एंड इन बैंक में भी है, अगर दोनों जगह है, तो आप स्टेटमेंट ऐसे देखो, जब आप स्टेटमेंट ले लेते हो ना, तो उसी में क्लियरली हमें दिख जाता है कि कितना इंटरेस्ट आया। बट इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर और पोस्ट ऑफिस, तो इट विल बी बेटर कि आप अपने पास ले लो, वो आपको सर्टिफाइड कर देगा कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर फलाना फलाना अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर इतना इतना इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, और वो अपना साइन कर देगा। तो ये भी आप ले लो। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, इंटरेस्ट वाले में मोस्टली पर्सन जो आईटीआर 1 फाइल करते हैं और सैलरी वाले व्यक्ति अपने एडवाइजर को, अपने टैक्स एडवाइजर को जिससे रिटर्न फाइल करवाते हैं, उसे ये बताते ही नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट में या एफडी पे इंटरेस्ट कितना आया। इस चीज को छिपा लेते हैं। ध्यान रखिए, जितना खुल के आप अपने एडवाइजर को बताइएगा, आप अपने आईटीआर फाइल करने वालों को, उतना आपका जो आईटीआर है दैट विल बी करेक्ट। आप ये मत सोचिए कि जो बंदा आईटीआर फाइल कर रहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल। नो, नेवर, ही विल नेवर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो आपके भी आप पे सिर्फ वो आपको फाइल कर रहा है, बट साइन आपका है, योर सेल्फ आप रहोगे वहां पे, कुछ नहीं। तो मुसीबतें जो होने वाली होती है वो आपका होने वाला होता है। हम जैसे लोग क्या करेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स, आप डेटा पूरा अवेलेबल नहीं करते हो, देन इन दैट केस आई विल डू कि एक बार तो आईटीआर फाइल करने का पैसा लूंगा, फिर अगर डिफेक्टिव हो गया, कुछ उसमें दिक्कतें होती है, कुछ डिमांड होता है, कुछ आपका पेन पे कुछ है, कहीं कुछ है, ट्रांजेक्शन आपने शो नहीं किया, अगेन हम आपको डबल चार्जेज के साथ फिर आपसे फीस लेते हैं कि भैया इसमें तो आप ज्यादा, क्योंकि आपको तो पता नहीं है भैया, यहाँ तक तो आपने सीख लिया यूट्यूब देख के या कहीं से, बट आगे का आपको पता नहीं होता है कि अब क्या एक्शन होगा, तो वहां पे आपको मोटी रकम लग जाती है, अच्छा पैसा जाता है। तो इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा पहली बार ही 1,000, 2,000, 5,000 रुपया आपका आईटीआर फाइल करने का चार्ज लोग लेता है, तो वहां पे क्लियरली उसको सब चीज बताओ। नेक्स्ट पॉइंट था टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स में एक चीज और मैं बता दूंगा, ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स सेविंग का जो एक्सपेंस था, जैसे बच्चों का ट्यूशन फीस था, इन्वेस्टमेंट था आपका, एलआईसी का पेमेंट, पीपीएफ डिपोजिट का, इस सब का 31st की जगह 30 जून तक डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो अगर 19-20 का अगर अभी आपको जैसे सेक्शन 80C में आपको 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट करना है, या ट्यूशन फीस का है, सुकन्या अकाउंट है, या पीपीएफ है, तो आपने अगर नहीं किए हो तो वो कर लो 30 जून तक, और उसका प्रूफ आप जरूर रखना, सारे रिसीट जरूर रखना, वो आपको काम आएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। नेक्स्ट, होम लोन स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक या एनबीएफसी। देखिए, होम लोन, जो लोग होम लोन ले रखे हैं, घर लिए शहरों में, फ्लैट लिया आपने, एक बैंक लोन लेते हैं घर खरीदने में, और उस बैंक लोन से जो आप घर खरीदते हो, तो उसमें आप रीपे करते हो अपना इंटरेस्ट अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि इंटरेस्ट जो होता है वो सेक्शन 24 में वहां एग्जेम्पशन मिलता है, और जो प्रिंसिपल रीपे करते हो उसका आपको सेक्शन 80C में आ जाता है आपको एग्जेम्पशन। तो इसके लिए बैंक एक सर्टिफिकेट देता है कि आपको जो होम लोन सर्टिफिकेट जो होता है उसमें क्लियर रहता है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने इतना पेमेंट किया जिसका जिसमें इतना अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट है और इतना अमाउंट इंटरेस्ट का है। और ये बायफिक्रेशन अगर आप देते हो हमें अपने एडवाइजर्स को, तभी वो बंदा आपका दोनों सेक्शन में ट्रीटमेंट करेगा टैक्स का, और आप दोनों जगह बेनिफिट ले लोगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम एक बार देखें कि क्या फॉर्म खुल गया कि नहीं। ये देखिए, जो आईटीआर 1 आएगा आपका एक्सेल वाला जो हम दिखाए थे,
वो इस तरह से आपके सामने आएगा, इस क्लोज कर दीजिएगा। और जब आप इसको एनेबल एडिटिंग करिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे आपको एक विंडो, पॉपअप विंडो खुल के आएगा और वहां पे आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है इसमें, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का जो ये विंडो आएगा इसी पे आपको सारा डिटेल यहाँ पे भरना है। ITR 1 सहज है, ये एक्सेल शीट जब आप फिल कर दोगे उनको तब जा करके आपका सारा XML जनरेट करके, यहाँ पे देखिए वैलिडेट, नेक्स्ट नेक्स्ट हर पेज पे आगे चलते जाएंगे, उसके बाद XML जनरेट कर दिया जाता है। जब ये फिल करोगे तब होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, और जब आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं डिटेल बताऊंगा। हालांकि ITR 1 के लिए प्रीपेड ऑनलाइन ही करना, आप देखिए यूटिलिटी का ये सारे आपको डायरेक्शंस आते जाएंगे, कैसे कैसे क्या करना है, ये सारे चीज आपको आएंगे, कहाँ फिल करना है, कहाँ नहीं करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, वैलिडेट करना है, जनरेट XML करना है, ये सारी चीज करके XML अपलोड होता है। और ये है इसका ITR का फॉर्म, और ये हर पेज पे डिटेल है, यहाँ पे बेसिक डिटेल होता है, यहाँ TDS कितना कटा, TCS कितना, ये यहाँ पे कहता है 26S से इसको रिकनसाइल कर लीजिए। तो ये सारी चीजें ये है आपको, ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हूँ, नेक्स्ट में बताऊंगा किस तरह से आपको बताना है। तो ये दोस्तों याद रखना, ये चीज कर लेना जरूर। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दोस्तों। और एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोग अपना प्रिपरेशन कर लें। अभी आपके पास 30 जून तक टाइम है, और इसमें भी इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों का टैक्सेबल इनकम नहीं है और वो ITR फाइल करते हैं तो वो 30 जून से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ITR जब अवेलेबल है तो व्हाई विल यू वेट, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जिनका फॉर्म 16 लेने का है, जैसे सैलरी पर्सन है तो उनको चाहिए फॉर्म 16, तभी वो ITR फाइल करेंगे। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कैसे ITR 1 फाइल करना है, मेरे साथ आप ITR 1 फाइल करिएगा, जल्दी करिएगा, फटाफट करिएगा और सीख भी जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।